नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। मैं हूं समरजीत सिंह। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से पूरी दुनिया हैरान है। अच्छी खबर यह है कि इस हमले में डोनाल्ड ट्रंप बाल बाल बच गए हैं। ट्रंप पर यह हमला पेंसिल्वेनिया के बटलर में हुआ है। रैली के दौरान हुई इस फायरिंग में एक ट्रंप समर्थक की भी मौत हो गई है। आपको बता दें कि दुनिया के किसी भी चर्चित नेता पर होने वाला यह कोई इकलौता हमला नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग देशों के बड़े नेताओं पर, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पर भी जानलेवा हमला हो चुका है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बड़े नेताओं के बारे में बताने जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं स्लोवाकिया के पीएम। स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फिको पर इसी साल मई के महीने में जानलेवा हमला हुआ था। हमलावर ने फिको पर कई राउंड की फायरिंग की थी और इस हमले में फिको गंभीर रूप से घायल हो गए थे। फिको को आनन फानन में पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिको पर यह हमला उस वक्त हुआ था जब वह एक सांस्कृतिक सामुदायिक केंद्र में सरकारी बैठक खत्म करने के बाद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। कुछ वर्ष पहले ही जापान के पीएम पर भी हुआ था जानलेवा हमला। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर 8 जुलाई 2022 को जानलेवा हमला किया गया था और उस हमले में आबे की मौत हो गई थी। आबे को हमलावर ने उस वक्त अपना निशाना बनाया था जब वे नारा शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। बताया जाता है कि हमलावरों ने आबे पर कई राउंड की फायरिंग की थी और इस फायरिंग में आबे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्होंने बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी ऐसा ही हुआ था हमला। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर भी एक रैली के दौरान ऐसा ही जानलेवा हमला हुआ था। इमरान खान पर यह हमला 3 नवंबर 2022 को हुआ था और इस हमले में इमरान खान के पैर में गोली लगी थी। इमरान खान पर हुए इस हमले के दौरान 14 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की भी गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति रहे जॉन एफ कैनेडी की 22 नवंबर सन 1963 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह हमला उस समय हुआ था जब कैनेडी अपने ओपन कार में कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आए हमलावरों ने उन पर कई राउंड की फायरिंग की थी और इस हमले में जॉन एफ कैनेडी की मौत हो गई थी। रैली के दौरान बेनजीर भुट्टो पर भी पाकिस्तान में हुआ था हमला। पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की भी 27 दिसंबर 2007 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। भुट्टो पर यह हमला उस वक्त हुआ था जब वह पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में एक चुनावी सभा को खत्म करके जा रही थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या उनके ही दो बॉडीगार्ड्स ने 31 अक्टूबर 1984 को कर दी थी। हत्याकांड को अंजाम देने वाले हमलावर ऑपरेशन ब्लू स्टार से नाराज थे।